सैम्पल ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम यूजिंग फ्लॉड वर्चुअल्स एल्गोरिदम। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम मतलब, अब जैसे जितनी भी वर्टाइजेज हैं उनकी रिमेनिंग वर्टाइज, सपोज हमारे ग्राफ में 1, 2, 3 वर्टाइजेज हैं, तो 1 का 2 और 3 से शॉर्टेस्ट पाथ, 2 का 1 और 3 से शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, और 3 का 1 और 2 से शॉर्टेस्ट, सारे पेयर्स जो हैं उनसे उनका शॉर्टेस्ट पाथ हमें निकालना है। जबकि मल्टी स्टेज में क्या था कि एक सोर्स वर्टेक्स थी, एक डेस्टिनेशन, सिर्फ उन दोनों के बीच का हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना था। यहाँ पर सारे पेयर्स को हमें कंसीडर करना है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर हमें क्या होगा, इसमें होता क्या है, द प्रॉब्लम इज़ टू फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस इन ए गिवन वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ। यहाँ पर आपको एक वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ होगा, यानी एक ग्राफ होगा जिसमें डायरेक्शंस भी होंगी और उनकी एजेस का वेट भी गिवन होगा, और हर वर्टाइसेस के पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो हमें कैलकुलेट करना होगा। हेयर वेट्स ऑफ एजेस कैन बी नेगेटिव, जो वेट्स होंगे एरो के ऊपर वो नेगेटिव भी हो सकते हैं इस एल्गोरिदम में। ग्राफ डिस्टेंस मैट्रिक्स और ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स इज डिटरमाइंड। हेयर हमें क्या करना होगा, डिस्टेंस ग्राफ मैट्रिक्स या ग्राफ डिस्टेंस मैट्रिक्स या ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स डिटरमाइन करनी होगी, विच कंटेन्स ऑल डिस्टेंसेज बिटवीन पेयर्स ऑफ वर्टाइसेस। यहाँ कह सकते हैं विच कंटेन्स ऑल शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेज बिटवीन पेयर्स ऑफ वर्टाइसेस, तो वर्टाइसेस के पेयर में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो उसमें स्टोर्ड रहेगा, तो हमें वो मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी होगी जो ऑल पेयर्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए। यूथ रोथ एंड डब्ल्यू अर्थ कॉलम शोज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन वर्टेक्स यू एंड डब्ल्यू, डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स यू एंड डब्ल्यू। फॉर ग्राफ ऑफ एन वर्टाइसेस वी हैव टू डिटरमाइन एन मैट्राइसिस ऑफ साइज एन क्रॉस एन, तो एन वर्टाइजेस हैं तो हमें कितनी मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी होगी, एन मैट्रिक्स जिनकी साइज़ क्या होगी, एन क्रॉस एन। तो अगर एन की वैल्यू 3 है, 3 वर्टाइजेस हैं हमारे ग्राफ में, तो हमें A1 मैट्रिक्स, A2 मैट्रिक्स और A3 मैट्रिक्स फाइंड आउट करना होगा, सभी की साइज़ क्या होगी, 3x3। तो ये भी 3x3 की होगी, ये भी 3x3 की होगी और ये भी 3x3 होगी। ये क्या बताएगा, 1 से बाकी वर्टाइसिस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये 2 से बताएगा बाकी वर्टाइसिस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और 3 से बताएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इसके लिए हमें फॉर्मूला क्या यूज़ करना पड़ेगा, ए ऑफ के आई कॉमा जे। अब आई वर्टेक्स से जे पे जाने के जो डिस्टेंस है वो कैसे हो सकता है, या तो मैं आई से जे डायरेक्ट जाऊँ या फिर मैं कैसे जाऊँ, आई से के जाऊँ और के से जे जाऊँ, एक इंटरमीडिएट वर्टेक्स के थ्रू जाऊं। हो सकता है डायरेक्ट वर्टेक्स आई से जे जाने में मुझे कॉस्ट 5 लग रही है और के से जाने में मुझे सिर्फ 3 लग रही है, तो मुझे दोनों पाथ कंसीडर करने पड़ेंगे। तो दोनों पाथ कंसीडर करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमने लिखा है ए ऑफ के आई कॉमा जे। के क्या है, एक इंटरमीडिएट वर्टेक्स है, तो मिनिमम ऑफ ए के माइनस 1 आई कॉमा जे। जब हम ए ऑफ के की बात करेंगे तो हम किसकी वैल्यूज को देखते हैं, ए ऑफ के माइनस 1 आई कॉमा जे। तो जो प्रीवियस, जैसे ये ए ऑफ 1 निकाल रहे हो तो हम इसमें किसकी भी देखेंगे, ए ऑफ 0 की वैल्यू। जब ये 1 होगा तो ये हम, जब ये 2 होगा तो हम 1 की मैट्रिक्स को देखेंगे। तो डायरेक्ट आई से जे जा रहे हो आप विदाउट यूजिंग इंटरमीडिएट कॉमा, हमें मिनिमम देखना होगा कि बिना इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट से जाने से हमें किस में कम कॉस्ट लगेगी, ठीक है। तो विथ इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा, ए ऑफ के माइनस 1 आई कॉमा के प्लस ए ऑफ के माइनस 1 के कॉमा जे। तो हम न्यूमेरिकल के थ्रू देख लेते हैं। सपोज हमें एक डायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है, वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ, और हमें कैलकुलेट करना है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। तो 3 वर्टाइस है तो 3 मैट्रिक्स बनेंगे, A1 A2 A3, ठीक है। अब सबसे पहले आपको A0 मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी ग्राफ को देख के। अब इसमें देखें हम तो कि 1 से लेकर 1 का कोई लूप है क्या, सेल्फ लूप है क्या, 2 का 2 से 3 का 2, नहीं, इन प्रॉब्लम्स में सेल्फ लूप नहीं होते हैं, इसीलिए डायगोनल वैल्यूज़ क्या रहनी होगी, 0।
अच्छा आप सर, ए जी टू निकालने के लिए हमें मैंने क्या बताया था कि अगर थ्री वर्टेक्स हैं तो जो मैट्रिक्स की साइज़ होगी वो 3x3 होगी, तो 1 2 3 और 1 2 3, 3 कॉलम्स 3 रोज़। अब जो डायगोनल वैल्यू होगी वो 0 रखनी होगी क्योंकि इसमें सेल्फ लूप नहीं है। तो अगर कॉस्ट ऑफ आई आई निकालना चाहोगे तो उस केस में आपको 0 ही पुट करना है। तो डायगोनल वैल्यू 0 आएंगी क्योंकि सेल्फ लूप नहीं है। 1 का 1 पे कोई एज नहीं है, 2 का 2 पे नहीं है, 3 का 3 पे एज नहीं है। अब हमें क्या लेना है, कॉस्ट ऑफ 1 2, 1 से 2 जाने की एज की कॉस्ट क्या है 4, 1 से 3 पे जाने की क्या है 11, 2 से 1, देखो 1 से 2 जाने की 4 थी लेकिन 2 से 1 जाने की क्या है 6, फिर 2 से 3 जाने की कॉस्ट, क्योंकि 2 से 2 तो सेल्फ लूप नहीं है तो 0 ले लिया हमने, 2 से 3 जाने की कॉस्ट क्या है 2, फिर 3 से 1 जाने की कॉस्ट क्या है 3, 3 से 2 जाने की देखो कोई भी एरो नहीं है तो इनफाइनाइट। अगर वो एज नहीं है, जैसे कॉस्ट ऑफ आई जे इक्वल्स टू इन्फिनिटी कब होगा, इफ़ आई जे नॉट बिलोंग्स टू एजेस। तो अगर एजेस में नहीं आता है आई जे, अगर कोई एज आई जे नहीं है तो उसकी जगह क्या रखना है इन्फिनिटी। तो क्योंकि कॉस्ट 3 2 एज है ही नहीं, 2 3 एज है लेकिन 3 2 नहीं है, इसीलिए इन्फिनिटी रखा है हमने, ठीक है। तो इस टाइप से हमने ए ज़ीरो कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि ए ज़ीरो से ही ए वन कंस्ट्रक्ट होगी। तो ए ज़ीरो हमने बना लिया, अब हम कर रहे हैं ए वन। तो ये ए वन क्या शो करेगा, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वर्टेक्स 1 टू ऑल वर्टाइसेस, ठीक है। अब हम देखेंगे ए से ए वन निकालने के लिए। अब आपको क्या करना है, जब आप ए वन निकालोगे तो ए वन निकालने में आपको क्या करना है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ एज इट इज़ रखनी है ए ज़ीरो में। ए ज़ीरो की जो फर्स्ट रो की वैल्यूज़ हैं वो वैसी आएंगी और जो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू है वो वैसी आएंगी, और डायगोनल को 0 ही रखना है क्योंकि सेल्फ लूप नहीं है। तो आपको सिर्फ वैल्यूज़ कौन कौन सी कैलकुलेट करनी है, ये दोनों वैल्यूज़। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला यूज़ करके कैलकुलेट की हैं बट इनकी ज़रूरत नहीं है। ए 2 2 0 ही आएगा क्योंकि यहाँ पर सेल्फ लूप नहीं है, 0 ही आएगी वैल्यू, अननेसेसरी हमें इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही ए ऑफ 3 3 कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ पहले से ही कैलकुलेटेड है। हमें सिर्फ कौन सी निकालनी पड़ेगी, ए ऑफ 2 3, ठीक है, ए ऑफ 2 3 हमें कैलकुलेट करनी होगी और ए ऑफ 3 2, सिर्फ ये दो वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ए वन ऑफ 2 3। तो जब भी ये 1 होगा तो ये 0 होगा क्योंकि जब आप 1 मैट्रिक्स निकालोगे तो आपको कौन सी मैट्रिक्स देखनी होगी, 0, तो ए 0 देखनी होगी। अब आई से जे 2 से 3 डायरेक्ट ले लिया हमने, ठीक है, ये हमारी वैल्यू क्या है के, यानी 1 को हम इंटरमीडिएट ले रहे हैं। 2 से 3 जाने के लिए 1 को हम एज ए इंटरमीडिएट वर्टेक्स ले रहे हैं। तो अगर हम 1 को इंटरमीडिएट वर्टेक्स नहीं लेंगे तो ए 0 ऑफ 2 3 कॉमा ए 0 ऑफ 2 से हम 1 गए और 1 से 3 गए, इन दोनों को ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। ये ऐसा क्यों किया है कि हम 2 से 3 डायरेक्ट गए तो हमें कितनी कॉस्ट मिल रही है, और अगर हमने 1 को इंटरमीडिएट बनाया तो हम पहले 2 से 1 जाएंगे और फिर 1 से 3 जाएंगे, हमें 2 से 3 जाना था तो हम कैसे गए, या तो डायरेक्ट गए 2 से 3 या तो हम पहले 2 से 1 गए और 1 से 3 गए। तो इस कॉस्ट, इन दोनों एजेस की कॉस्ट को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ए 0 ऑफ 2 3 अगर हम देखें तो कितना है 2, तो हमने वैल्यू 2 पुट कर दी, और ए 0 ऑफ 2 1, 2 1 कितना है 6, ये हमने पुट कर दिया, प्लस ए ऑफ 1 3 कितना है, ए ऑफ 1 3 है 11। तो ये वाली वैल्यू बड़ी आ गई, हमें तो मिनिमम वैल्यू लेनी थी तो मिनिमम क्या आ गया 2, तो हमने 2 ले लिया। ऐसे ही ए 1 ऑफ 3 2 निकालेंगे हम, तो ए 1 ऑफ 3 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ ए 0 3 2 कॉमा ए 0 ऑफ 3 1, पहले हमें 3 से 2 जाना था तो हम 3 से 2 की वैल्यू ले लेंगे, और 1 को इंटरमीडिएट लोगे तो 3 से 1 जाना होगा और 1 से 2 जाना होगा। तो ए 0 ऑफ 3 1 प्लस ए 0 ऑफ 1 2, इसको जब आप ए 0 से पुट करोगे वैल्यूज तो ये हो जाएगा, ये इन्फिनिटी है, ए ऑफ 3 2 इन्फिनिटी है, और ए 0 3 1 जो है वो 3 है, ये 4 है, तो मिनिमम वैल्यू 7 आ गई, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 7। तो इस टाइप से हमारी ये कंस्ट्रक्ट हो गई ए 1। अब हमें क्या निकालना है ए 2, ये भी हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 0 ही था।
टू कैलकुलेट ए टू वी हैव टू यूज ए वन मैट्रिक्स. तो ए वन मैट्रिक्स जो हमने वैल्यू निकाल ली थी वो ले लेंगे. अब क्या करना है, क्योंकि आप ए टू निकाल रहे हो तो सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो को एज इट इज़ लेना है. तो 602 एज इट इज़ ले लिया, 407 ले लिया और डायगोनल को जीरो ही रखना है. तो बाकी कौन सी वैल्यूज मुझे निकालनी पड़ेंगी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू. बाकी तो निकली, बाकी फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो मुझे सिर्फ ए ऑफ 13 और ए ऑफ 31 निकालनी है, बाकी वैल्यूज कैलकुलेटेड है. तो ए ऑफ 13, तो ए टू का 13 निकालना है. तो क्या होगा, ए वन क्योंकि 2 ले रहे हो तो यहाँ 1 आएगा. तो 1 से 3 का डायरेक्ट डिस्टेंस कॉमा 1 से, आप किसको इंटरमीडिएट बनाओ, 2 को. तो 1 से हम 2 गए, 2 से 3 है, 1 से 2, 2 से 3, इनकी कॉस्ट लिख लो. तो ए वन ऑफ 13 हमें दिख रहा है 11 है, और ए ऑफ 12 जो है, 12 जो है वो 4 है, और ए ऑफ 23 जो है वो क्या है, 2. तो इसको सब्सिट्यूट करेंगे, वैल्यू 6 आई, तो 6 को ले लिया हमने, मिनिमम वैल्यू लेनी थी. ऐसे 31 को लेंगे तो डायरेक्ट ए वन ऑफ 31, 2 को इंटरमीडिएट बनाओ तो 3 से 1 जाना था, 2 को इंटरमीडिएट बनाओगे तो 3 से 2, 2 से 1. तो ए वन ऑफ 32, ए वन ऑफ 21, इनके वैल्यू सब्सिट्यूट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 3. 3 ले लेंगे तो हमारी ए टू मैट्रिक्स भी बन गई. अब ए टू से ए थ्री बनाएंगे हम, तो ए थ्री के लिए हमें किसकी यूज़ करना पड़ेगा, ए टू को. तो मैंने ए टू को एज इट इज़ लिख लिया. अब क्योंकि आप ए थ्री बना रहे हो तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम को एज इट इज़ लिखोगे. थर्ड रो क्या था, 370 और थर्ड कॉलम था 620. डायगोनल को भी एज इट इज़ लिखोगे तो बाकल को ज़ीरो लेंगे. सिर्फ हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, यानी ए थ्री ऑफ 21 और ए थ्री ऑफ 12. तो 12 और 21 निकालना पड़ेगा, बाकी जो है निकालने की ज़रूरत नहीं. अगर आप निकालोगे भी तो सेम ही वैल्यू आएगी. तो ये एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है आपको. तो हम ए थ्री ऑफ 12 जब निकालेंगे तो मिनिमम ऑफ ए थ्री के लिए हम ए टू को देखते हैं. तो ए टू ऑफ 12 कॉमा, आप 3 को इंटरमीडिएट ले रहे हो तो 1 से 2 जाना था, तो हम कैसे जाएंगे, पहले 1 से 3 और 3 से 2. तो ए टू ऑफ 13 प्लस ए टू ऑफ 32, जब इनके वैल्यूज पुट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4. तो इसको हम पुट कर देंगे. ए थ्री ऑफ 21 निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए टू ऑफ 21 डायरेक्ट हम गए और 2 से 1 जाना था. अगर 3 5 से जाएंगे तो ए से 23 और 31, 2331 की ए टू वैल्यू हम देख लेंगे. तो जब हम इसको पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई, 5. तो ये वैल्यू 5 आ गई. तो हमारी ये निकल आई तीनों मैट्राइसिस. ये जो तीनों मैट्राइसिस है वो क्या शो कर रही है, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस.